शोकाई जब इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसकी वीडियो मैं आज तक जो अगर चैनल की बात करें तो काफी सारी वीडियो मैं आप तक शेयर कर चुका हूं, स्टार्टिंग से लेके अभी तक आप काफी सारी वीडियो आप देख पाएंगे चैनल पे। जब TTML की वैल्यू जो कि करीब करीब 4 से 5 रुपए हुआ करती थी तब से रिकमेंडेशन यहां पर जो कि इस चैनल पे आपको दी गई थी एंड तब से लेके और अभी तक जो कि शेयर प्राइस जो है 290 रुपए के आसपास से जाके अभी रिटर्न हुआ है और अभी जो कि दोबारा से इसमें सेंटिमेंट वाली सिचुएशन की बात करें तो एक बेहतरीन सेंटिमेंट इसमें नजर आ रहा है। काफी सारी चीजें जो कि बदली है, टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज को इसमें मर्ज किया गया है तो काफी सारी चीजें जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लोगो भी चेंज हो चुका है। टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज जो कि इसका लोगो चेंज हो चुका है एंड टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र की बात करें तो एक जबरदस्त सिचुएशन यहाँ पर जो कि आ चुकी है, एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। क्या है पूरा डिस्कशन इस वीडियो के थ्रू करेंगे। नो डाउट कि यहाँ पर आज जो है मार्केट में इसमें डाउनफॉल देखा गया है TTML की बात करें तो, बट यहाँ पर जो न्यूज है उस न्यूज को देख के आप खुद बोलेंगे कि अब वही टाइम आ चुका है कि हमें बाय कर लेना चाहिए एक अच्छा खासा जो कि क्वांटिटी ऑफ शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर अगर बात करें आज की तो 80.5 रुपए से नीचे गया था 75.10 रुपए तक एंड 52 वीक हाई की बात करें 149 रुपए, 52 वीक लो की बात करें 49.65 रुपए इसका 52 वीक लो है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम काफी ऊपर गया था 290 रुपए के आसपास और अभी एट प्रेजेंट जो कि 75-76 रुपए के आसपास इसमें जो कि फ्लक्चुएशन मिल रहा है। मैं खुद की बात करूं तो गाइज एक नहीं दो नहीं कई हजार शेयर मेरे पोर्टफोलियो में एडेड है एंड आज से नहीं काफी टाइम से है और मेरे को मैं तो बिल्कुल एकदम पक्का करके बैठा हुआ हूँ गाइज की जो अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हुए मेरे को एक जबरदस्त प्रॉफिट जो कि TTML में लेना है फॉर श्योर लेना है एंड उससे पहले भी मैं बीच में थोड़ी सी डंपिंग भी की थी बट उसके बाद दोबारा से वही सेम क्वांटिटी में उठा चुका हूं एक अच्छा खासा जो कि पोर्टफोलियो में एक क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी ऑफ शेयर ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं एंड फॉर श्योर मेरे को अभी नहीं बेचना है। एंड अगर बात करें इसके एनालिसिस की तो जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो करीब करीब यहां पर 54 लाख क्वांटिटी के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। NSE पे BSE की बात करें तो यहाँ पर 12 लाख क्वांटिटी के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अगर बात करें इसके शॉर्ट एनालिसिस की 7 स्ट्रेंथ है 2 वीकनेस है 2 अपॉर्चुनिटीज है, थ्रेट की कोई गुंजाइश नहीं है, 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू है। एंड अगर बात करें इसके सेंटिमेंट की तो 85% इसमें बाय का, 15% सेल का, यहाँ पर होल्डिंग का 0%। इट मीन्स की लगभग लगभग यहाँ पर बाय का सेंटिमेंट नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर इसके रिजल्ट की तो रेवेन्यू जो कि करीब करीब एक जबरदस्त पकड़ यहाँ पर जो कि स्टेबलिश यहाँ पर हो चुका है 250 करोड़ से ऊपर 250-300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हर क्वार्टर में इसने शो किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी स्टिल लॉस में है बट 2 करोड़ के आसपास लॉस कम हुआ है। EPS की बात करें तो EPS की सिचुएशन भी करीब करीब सेम है जो नेट प्रॉफिट वाली है। इसके अलावा गाइस ये लॉस काफी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर एक चीज और है, एक ये कॉमर्शियल पेपर का इंस्टॉलमेंट हर क्वार्टर के लिए जाता है तो गाइस वहां पर वो जब इसका इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो जो वहां पर जाता है वो यहाँ पर ऐड भी हो सकता है तो गाइज वहां पर सिचुएशन उसके बाद काफी सुधरने की गुंजाइश यहाँ पर नजर आ रही है। एंड वो जो कॉमर्शियल पेपर्स का जो इंस्टॉलमेंट है वो इस फाइनेंशियल ईयर में क्लोज हो जाएगा। इट मींस कि यहाँ पर आपको लगभग 1 साल के आसपास वेट करना पड़ेगा एक अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए। एंड अगर बात करें शेयर होल्डिंग की तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, 290 रुपए तक भी गया था शेयर बट यहाँ पर बिल्कुल प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को बिल्कुल स्टेबल किए हुए है। FII की बात करें तो FII की होल्डिंग यहाँ पर हल्की सी डिक्रीज हुई है। DII की बात करें तो DII की होल्डिंग यहाँ पर बिल्कुल स्टेबल है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर जो कि इंक्रीज हुई है 0.03% के साथ। अदर्स की बात करें अदर्स की होल्डिंग डिक्रीज हुई है 0.01% के साथ। तो गाइस यहाँ पर FII DII पब्लिक अदर्स प्रोमोटर सब कुछ इसमें जो कि अपनी होल्डिंग को बनाए हुए है। एंड जब फर्स्ट टाइम मैंने आप तक ये वीडियो TTML को लेके शेयर की थी उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रोमोटर और पब्लिक बैठी हुई थी और अभी जो कि FII का ट्रस्ट इसमें जनरेट हुआ है, DII का ट्रस्ट जनरेट हुआ है, अदर्स का ट्रस्ट जनरेट हुआ है
तो गाइज यहाँ पर ऑफ कोर्स ये जो कि सेंटिमेंट है वो काफी अच्छा खासा यहाँ पर नजर आ रहा है टीटीएमएल को लेके। तो गाइज अब बात करते हैं इसके न्यूज की, उससे पहले एक जो कि यहाँ पर जो इस टीटीएमएल को लेके काफी बुलिश है, हर कोई यहाँ पर बुलिश है कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है। तो गाइज यहाँ पर इंफोसिस टीटीएमएल्स में इन 5 स्टॉक में आज कमाई का मौका। तो गाइज यहाँ पर अगर बात करें तो सेंटिमेंट जो कि बाइंग वाला बन रहा है, जो जिस तरीके की जो यहाँ पर न्यूज आ रही है आप देख सकते हैं, टीटीएमएल को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, सीएमपी पर खरीदें, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदें, लक्ष्य 88 का रखें, स्टॉप लॉस 76 का लेकर चलें। स्टॉक ने मजबूत ब्रेकआउट देने के बाद चार्ट पैटर्न पर हायर टॉप हायर बायर बॉटम बनाया है। टीटीएमएल के शेयरों में हाल के सत्रों में भी व्यापार में काफी वृद्धि देखी गई है। तो गाइज यहाँ पर रिकमेंडेशन तो बाइंग वाली बन रही है और वो भी करंट मार्केट प्राइस पे। तो गाइज यहाँ पर जो कि कुछ तो बड़ा पकड़ा है टीटीएमएल को लेके, एंड गाइज ऑफ कोर्स एकदम से यहाँ पर बड़ा झटका आने वाला है। इसके अलावा 290 से टूटकर 76 रुपए तक गया है शेयर, ऑफ कोर्स यहाँ पर गया है, दोबारा से नीचे गया है, 60 रुपए के आसपास भी आपको मिल रहा था, एंड ये मौका हो सकता है कि ये लास्ट मौका हो आपके लिए। तो गाइज यहाँ पर जब दोबारा से इसमें जो कि ये बुलिश दिखेगा उस टाइम पर तो आप भागेंगे इसके पीछे कि थोड़े से शेयर तो मिल जाए एटलीस्ट 100 रुपए से नीचे नीचे। तो गाइज यहाँ पर हो सकता है कभी भी इसमें रैली आ सकती है, एंड अभी जो कि स्टेबल क्यों हुआ है, नीचे क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो सेबी ने एक क्लैरिफिकेशन मांगी थी ऊपर जाने की, उसके बाद नीचे आने की, इतना नीचे क्यों आ रहा है। तो गाइज ना तो ऊपर जाने दे पा रहे हैं ना नीचे जाने दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कि सेबी जैसे ही कोई इश्यू होता है इमिडिएटली एक नोटिस भेज देता है, जिसका जो कि प्राइस मूवमेंट का नोटिस ऑफ कोर्स उसका रिप्लाई भी करना पड़ता है कंपनी को। अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ कोर्स काफी ज्यादा है, 195 करोड़ है, बट यहाँ पर जो इसका बिजनेस है उसको देखते हुए ये कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो गाइस यहाँ पर जो कि चीजें काफी स्टेबल होने वाली है, आने वाले टाइम में एक बेहतरीन यहाँ पर प्रॉफिट मिलने के चांसेस भी हैं। एंड न्यूज की बात करें, ब्रेकिंग न्यूज की, तो गाइज यहाँ पर ये न्यूज है, तेजस नेटवर्क्स बैक्स एक्सिस नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन डील फ्रॉम टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज। तो गाइज यहाँ पर टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज अब ऑर्डर नहीं ले रही, ऑर्डर दे रही है, इट मीन्स कि यहाँ पर पैसा आ गया है, कंपनी के पास पैसा आ गया है कि इतना बड़ा बड़ा ऑर्डर जो कि तेजस नेटवर्क को दे रही है, इट मींस कि तेजस नेटवर्क जो है टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज के लिए काम करेगा। तो गाइज यहाँ पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं जो कि आप खुद सोच सकते हैं कि कितना कुछ जो कि टीटीएमएल में हो रहा है टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज में हो रहा है, एंड जिसका असर जो कि आने वाले टाइम में जो कि सीधा सीधा दिखने वाला है कि आने वाला टाइम जो है एक बेहतरीन टाइम होने वाला है टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज के लिए। तो मेरे हिसाब से एक बेहतरीन मौका आपके पास है, क्योंकि मैं अपने खुद की बताऊं तो गाइज मैं डेली बेसिस पे, आप यकीन नहीं करेंगे, डेली बेसिस पे हर एक डंप पे डेली बेसिस पे मैं टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज के एक सिंगल शेयर को भी नहीं छोड़ता। तो गाइज यहाँ पर मैं हर दिन जैसे ही डंपिंग होती है कुछ ना कुछ शेयर तो मैं अपने पोर्टफोलियो में एड करता हूँ। तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है, एंड आने वाले टाइम में एक बेहतरीन प्रॉफिट आप कमा सकते हैं एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हुए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।